माइक टेस्टिंग आवाज आ रही है, आना ही चाहिए। डुअल माइक लगाया हूँ मैंने। वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक मिल नहीं रहा, तो ऐसे में कैमरा लेके शुरू हो गया है। वैसे भी कोई इतनी खास वीडियो बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी वीडियो से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक शेयर करो, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने लगूंगा यार, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक ये है कि मुंबई के अंदर बहुत बारिश हो रही है, ये तो पूरे न्यूज़ चैनल में आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन कितनी बारिश हो रही है ये मैं आपको बताता हूँ। लास्ट दो दिन पहले गणपति बापा का फेस्टिवल शुरू हुआ एंड गणपति बापा जब यहाँ पे आए तो बहुत बारिश लेके आए, बहुत ज़्यादा बारिश लेके आए। देखा कितनी बारिश है। तो चलो अभी हम जाते हैं शॉप पे, बहुत टाइम हो गया, लेट्स गो। पानी भर गया है यार, इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी मेरे को, ऑलमोस्ट मेरे घुटने तक पानी आ गया है। ओह माय गॉड, इसका तो साइलेंसर गया पानी के अंदर। बहुत गुड, फिर से मेरी एक बार बंद पड़ गई है, अभी मेरे को धक्का मार के जाना पड़ेगा यहाँ थोड़ी दूर तक। तो ये साला मेरा तीसरा टाइम है, सॉरी दूसरी टाइम है जब मेरी बाइक बंद पड़ी है। थोड़ी देर के बाद फिर से चालू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसके अंदर कुछ पानी चले जाता है, इसलिए मेरी बाइक बंद पड़ जाती है।
रन हो जाती है भाई। चलो जैसे चालू होती है वैसे ही मिलता हूँ मैं आपको। आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन जो मुंबई की लोकल ट्रेन है वो रुकी हुई है, तो ट्रैक पे पानी भर गया है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये चल रही है। लाइफलाइन डेड। दिस इज द थर्ड टाइम कि मेरी बाइक खराब हुई है, बंद हो गई है ये, और अब मुझे धक्का मारने की ताकत तो नहीं है, तो पहले ही दो बार हो गया। थोड़ी देर वेट करता हूँ यहाँ पे एंड ये तीसरी बार है मेरी बाइक जस्ट खराब हुई है अभी यहाँ पे, धक्का मारने की ताकत नहीं है अभी, जैसे यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में पानी जाने की वजह से बाइक बंद पड़ जाती है, तो थोड़ी देर वेट करिए, वो पानी को सूखने दीजिए, उसके बाद आपकी बाइक ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। एंड प्लस आपके स्पार्क प्लग में भी पानी जाता है जिसकी वजह से आपकी बाइक बंद पड़ जाती है। एंड ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से बाइक बंद पड़ जाती है, जैसे कि जब मेरे फर्स्ट टाइम अभी बाइक बंद हुई थी यहाँ पे आने से पहले, वो था मेरे साइलेंसर में पानी चले गया था, थोड़ा मैंने रेस दिया पानी निकाला और पानी बहुत बारिश है यार, इट्स रियली रेनिंग लाइक अ कैट एंड डॉग। जब तक ये नज़ारा एंजॉय कीजिए। पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं आपको, बहुत इट्स 1:34 मेरा चौपे जाने का टाइम था, 12:30 एक घंटा लेट हो गया हूँ और भी चौपे जाने के लिए। थैंक्स टू ज़ेन। Hi friends, it's almost 2:19, मैं दिखा देता हूँ आपको, इट्स ऑलमोस्ट 2:19, मैं अभी पहुँचा हूँ। मेरी बाइक बहुत टाइम के बाद स्टार्ट हुई, उसके बाद रास्ते में भी बहुत वाटर लॉगिंग थी, इसके लिए मुझे बहुत टाइम हो गया। अभी फटाफट मैं काम पे जा रहा हूँ, देखते कि रात को बारिश होती है या नहीं होती है। मेरी बाइक भी पूरी तरह से भीग चुकी है एंड कैमरा रेनकोट वगैरह सब भीग चुका है, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं बहुत कम भीगा हूँ, बहुत कम या लाइक ऑलमोस्ट नाके वगैरह भीगा हूँ। यहाँ पे सिर्फ हल्का सी पानी है, बिकॉज ये गले से यहाँ पे जाता है इसलिए यहाँ पे पानी हो जाता है, इसलिए हल्का सी पानी चले गया। बाकी मेरी जो अगर पैंट वगैरह, अगर आप देखोगे मेरी जीन्स देखोगे मेरी चप्पल, तो जूते मेरे स्टोर में है, तो मैं बहुत कम भीगा हूँ, सबसे अच्छी बात ये। नहीं तो ऐसे भीगे भीगे काम पर जाना इट्स द वर्स्ट फीलिंग। सो चलो अभी फ़िलहाल तो काम पर जाता हूँ, बहुत टाइम हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो तकरीबन अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, एक्चुअली 10:40 हो चुके हैं एंड अभी जस्ट मैं अपने जॉब से छूटा हूँ। अभी भी बारिश हो रही है, बहुत सारी ट्रेनें हैं जो बंद है, ट्रैक पे पानी भर गया है एंड क्या बताऊँ अभी मैं यार, बम्बई तो ऑलमोस्ट पूरा रुक गया है। ये मेरी बाइक है, आज मैंने पार्किंग में खड़ी करी थी, ये पूरी के पूरी सूख चुकी है। वैसे मैं पार्किंग में नहीं खड़ी करता हूँ, मैं बाहर खड़ी करता हूँ, पार्किंग में 20 रुपये दे के खड़ी करने होते हैं, तो मैं जो हमारे मॉल की पार्किंग है वहाँ पे खड़ी नहीं होती है मेरी बाइक। बट आज बहुत बारिश थी तो मैंने सोचा कि पार्किंग में खड़ी कर देते हैं, नहीं तो बाइक में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि सुबह में आपने देखा कि चलते चलते कितनी प्रॉब्लम हुई। एंड अभी मेरे दोस्त का भी फ़ोन आया है, आई थिंक वो ट्रेन में फंस गया, तो चलो उसको कॉल करते, देखते क्या हाल है उसका। पार्किंग में पहुंचा हूं मैं अभी। हाँ किधर तक आए? थ्री
टू वन स्टार्ट. ओ सॉरी, इंजन स्विच ऑन, इंजन ऑन. मेरे दोस्त को मैंने अभी जस्ट कॉल किया. एक्चुअली मेरा दोस्त भी नहीं है, हम उसे मामा कहते हैं. हम उसे मामा कहते हैं बिकॉज वो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे वो सिक्योरिटी है. अभी मेरे को उनका कॉल आया था, उन्होंने कहा कि लाइक ट्रेन तो बंद थी, ट्रेन से फिर भी वो बस पकड़ के गोवंडी डेपो तक गए. वो भी चेंबूर में रहते हैं. अभी गोवंडी डेपो से उन्हें पिकअप करना है मुझे. तो लेट सी, अभी तो बारिश नहीं है मुंबई में, बस ये बहुत ही हल्का हल्का सी शावर है. लेट्स सी क्या होता है. बारिश में रास्ते बहुत खराब हो जाते हैं आखिर. ऐसे तो रास्ते की क्वालिटी मुंबई की इतनी थर्ड क्लास है कि थोड़ी सी बारिश भी नहीं झेल सकते. बहुत कटे, बहुत कटे, बहुत कटे. ये वाटर ब्रिज है, थर्ड क्लास, एकदम थर्ड क्लास. ओ शिट 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 शिट, इतने खड्डे. यहाँ पे मामा रुकने वाले थे. मैं अभी मामा को फोन करके बोलता हूँ कि वो कहाँ है, तो मैं उनको लेके जा सकता हूँ. लेट मी चेक, अगर बस आ गई होगी उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आई होगी तो फिर मैं उनको लेके चले जाऊँगा. मामा को कॉल कर रहा हूँ, एक बार पूछ लेता हूँ किधर है वो. अगर आसपास होगे तो उनको उठा के लेके जाऊँगा उनके घर तक. अगर चले गए होगे तो ज़्यादा अच्छा है, मैं अपने घर पे चले जाऊँगा. मेरी भी अभी जब मम्मी का कॉल आया है, उनको भी फिक्र है कि मैं कहाँ पे हूँ, बारिश इतनी है. मामा कॉल नहीं उठा रहे. पहला कॉल मामा ने मेरा उठाया नहीं, दूसरा एंड फाइनल कॉल करूँगा. उठाए तो ठीक है, नहीं तो मैं चले जाऊँगा. अच्छे रिंग बच के चले गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि अभी मामा उठाएंगे. नहीं उठा रहे. आई थिंक पहुंच गए होंगे अब तक तो घर पे. तो हमारे जाने का समय आ चुका है. लोग बीएसटी बस के अंदर जा रहे हैं. और अरे ये तो एसटी बस है, नॉर्मल बस है नहीं अभी. तो बॉम्बे सेंटर तक वगैरह सब यहाँ से जा रहे हैं. नॉर्मल बस बंद हो चुकी है शायद. बस चलो हम निकलते हैं आज से. ये हमारे एरिया का गणपति का मंदिर है और गणपति का पंडाल भी है, सबसे बड़ा पंडाल चेंबूर कैंप का. मस्त है ना. ओ फुटेज आ गई होगी. पहुंच गया हूँ मैं घर पे. यहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क की. समा अरे अच्छा, ब्लॉग का एंडिंग भी कर रहे हैं. अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, ब्लॉग स्टार्ट किया तो एंड तो करना पड़ेगा. तो गाइस मैं फाइनली घर पे पहुंच गया. उसके बाद मैंने अपने घर पे गया, मैंने खाना खाया, आराम किया. अभी मैं अपने कमरे के अंदर हूँ एंड ये सारे मेरे जिम इक्विपमेंट्स हैं.
मैं ये अमेजोन से सारे के सारे ऑर्डर किया है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड ये मेरे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुंबई में रहते हो, अगर मुंबई के अंदर राइड कर रहे हो तो रास्ते बहुत ही ख़राब है, बहुत सारे गड्ढे हैं, वो भी इतने डेंजरस गड्ढे कि अगर आप बाइक लेके जा रहे हो तो आपका लाइक डिसबैलेंस होना लाइक 100% है। तो आप प्लीज़ ज़रूर थोड़ा संभाल के अपनी बाइक को चलाइए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।